मेरा नाम रियाज अहमद अब्बासी, चेयरमैन वाटर कोर्स 3LEX न्यू दौड़ माइनर डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनजीराबाद। मैं इस वाटर कोर्स के एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। इस वाटर कोर्स पे तकरीबन 20 से 25 जमींदार हैं और इस वाटर कोर्स को बने हुए तकरीबन 1.5 से 2 साल हुए हैं, जो पक्का बना हुआ है। सबसे पहले हमने जावेद अब्बासी, जो सब इंजीनियर हैं बांदी टीम के, उनके साथ उनकी टीम जो साइपेप की जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एजाज तुनियो साहब, उनकी टीम से हमने रब्ता किया, उन्होंने हमें गाइड किया। वाटर कोर्स जब कच्चा था और जब ये बन के तैयार हुआ है, उसमें तकरीबन 80% हमारी आबादी बढ़ी है, पानी का ज़ाया कम हुआ है। इसलिए पहले हमारी आबादी कम होती थी, पानी ज़मीनों पे नहीं चढ़ता था, ज़मीनें गैराबाद हो गई थी, कलर हो गई थी। अब जो है तकरीबन हर फसल हो रही है हमारे पास, पानी का फुकदान ख़त्म हो गया है, हमें 80% ज़्यादा आबादी कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारा जो खर्चा होता था वो खाटी पे होता था, और अब जो है तकरीबन 2 साल से हमारी खाटी नहीं हो रही, हमारा वो खर्चा भी बच रहा है, आबादी बढ़ रही है। जो पहले सिल्ट शाख में जमा होती थी, अब वो हमारी ज़मीनों तक आ रही है, उससे हमारी ज़मीनें बेहतर हो रही हैं। रेतीली ज़मीन हो रही है, जो पहले कलराटी थी अब वो रेतीली हो रही है। सिल्ट ज़मीन तक पहुँचने में, वाटर कोर्स पक्का होने के बाद जो सिल्ट ज़मीन में आ रही है, उस वजह से हमारी ज़मीन अच्छी हो रही है। साइपेप टीम ने हमारे साथ फुली कोऑपरेट किया, 100% गवर्नमेंट ने हमें मटेरियल की सूरत में दिया। उसके बाद एक सब इंजीनियर था, उनकी पूरी टीम हमारे साथ दिन रात साथ होती थी जब तक वाटर कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अलावा कंसल्टेंट का हमारे साथ फुली कोऑपरेट रहा, हर तरीके से उनका टीम का आना, विजिट करना, जिस वजह से हमारा वाटर कोर्स टाइम पर कम्प्लीट भी हो गया और उनका हमारे साथ फुल कोऑपरेट रहा।